लड़ाकू विमानों के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि दुनिया में जिस देश के पास सबसे ताकतवर वायुसेना होती है उसे ही सबसे शक्तिशाली माना जाता है और किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके लड़ाकू विमान। मंगलवार को भारतीय वायुसेना की इस ताकत में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना में मंगलवार को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस का नया स्क्वाड्रन शामिल हो गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने तमिलनाडु के स्लूर एयरबेस पर तेजस को 18वीं स्क्वाड्रन को सौंपा, जो तेजस को उड़ाने वाली वायुसेना की दूसरी स्क्वाड्रन होगी। इससे पहले 45वीं स्क्वाड्रन इसे उड़ा चुकी है। तेजस विमानों वाली भारतीय वायुसेना की ये दूसरी स्क्वाड्रन है। तेजस चौथी पीढ़ी का सबसे छोटा, हल्का और घातक हथियार है। अगर चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय क्षेत्र में आता है तो तेजस उसका काम तमाम कर देगा। इसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 40 तेजस विमानों का ऑर्डर दिया है और जल्दी HALA को 83 और विमानों का ऑर्डर दिया जा सकता है, जिसमें लगभग 38,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन की स्थापना 1965 में की गई थी और इसका आदर्श वाक्य है तीव्र और निर्भय। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाने वाली इस स्क्वाड्रन को 15 अप्रैल 2016 को सेवा मुक्त कर दिया गया था और इससे पहले इसमें MiG-27 विमान शामिल थे। स्क्वाड्रन को 1 अप्रैल 2020 को पुनः शुरू किया गया था। इस स्क्वाड्रन को नवंबर 2015 में राष्ट्रपति द्वारा ध्वज प्रदान किया गया था।